मोदी के खिलाफ खुद को विपक्ष की पिक्चर में लीड रोल के लिए पहले से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बेताब हैं। वैसे आपको बताते चले, राहुल गांधी इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं क्योंकि उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई है। दिल्ली दरबार का रास्ता तय करने और विपक्ष का चेहरा बनने की चाह रखने वाले इन चारों ही नेताओं की अपनी सियासी ताकत और कमजोरियां हैं। दिल्ली की सत्ता का रास्ता हिंदी बेल्ट वाले राज्यों से होकर गुजरता है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को भी सीएम से पीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए गुजरात के बजाय उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाना पड़ा था। नीतीश कुमार की ये सबसे बड़ी ताकत है कि वो बिहार से आते हैं। बिहार ही नहीं बल्कि हिंदी पट्टी वाले राज्यों में नीतीश कुमार की अपनी एक अलग पहचान है। नीतीश कुमार के पास शासन चलाने का अच्छा खासा अनुभव भी है। केंद्र में मंत्री के तौर पर काम करने से लेकर पिछले 17 सालों से बिहार की सत्ता के नीतीश कुमार धुरी बने हुए हैं। आपको बताते चले, 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। सत्ता का ये लंबा अनुभव उनके लिए 2024 में एक तरह से सियासी संजीवनी साबित हो सकता है और 2024 का उनका प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। खैर, नीतीश कुमार ओबीसी समुदाय की कुर्मी जाति से आते हैं, जो उनके लिए एक बड़ी ताकत बन सकता है। मौजूदा दौर में देश की राजनीति ओबीसी केंद्रित हो गई है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम का कैंडिडेट बनाया था तो उन्हें ओबीसी नेता को तौर पर पेश किया था। वहीं नीतीश कुमार की पहचान एक ओबीसी नेता के तौर पर रही है। नीतीश का कुर्मी समाज बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में अच्छी खासी संख्या में है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ओबीसी का होना एक ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है, उनके लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनकी छवि रही है, उनकी साफ सुथरी छवि है। अभी तक उनकी साफ सुथरी छवि में कोई दाग नहीं लग पाया है। जो साफ सुथरा कुर्ता पहनते हैं अभी उसमें कोई भी दाग नहीं है। उनकी मजबूत पकड़ है। नीतीश कुमार महिला वोटर का सहारा लगाकर जीत का परचम भी फहरा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी, साइकिल बांटना और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने जैसे तमाम कदम नीतीश ने उठाए हैं। 2020 के चुनाव में अंतिम समय में महिला वोटरों ने बचा लिया था उनको। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। नीतीश कुमार बिहार में भले 17 सालों से सत्ता की धुरी बने हैं, लेकिन बिहार से बाहर ना तो कोई खास अपील है, ना ही कोई देशव्यापी नेता के तौर पर खुद को स्थापित नहीं कर सके हैं। 2024 की राह में नीतीश कुमार के लिए कमजोरी ये साबित हो सकता है। नीतीश कुमार के साथ एक माइनस पॉइंट ये है, मैं आपको बता रही हूँ, उनकी छवि जो है राजनीतिक मूल्यों से समझौता करने वाले नेता की बन गई है। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए किसी के साथ भी समझौता कर सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के ग्राफ बंगाल की राजनीति में अपने दम पर लिफ्ट का किला ध्वस्त कर बड़ा सियासी बदलाव करने वाली ममता बनर्जी इस समय देश में इकलौती महिला मुख्यमंत्री है। पूरे देश में महिला मुख्यमंत्री अभी केवल ममता बनर्जी हैं, जो कि बंगाल की हैं। ममता की महिलाओं वोटरों के काफी अच्छी पकड़ है। यही वजह रही है कि बीजेपी ममता के दुर्ग को नहीं भेज सकी। ममता बनर्जी की यही सबसे बड़ी ताकत है। ममता महिलाओं में लोकप्रिय है और ममता इस लोकप्रियता को चुनाव में भुनाना भी जानती है। ममता दीदी बहुत बड़ी राजनीतिकार है। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में मजबूत पकड़ है। बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से आधी से ज्यादा सीटें अभी भी टीएमसी के पास हैं। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपना किला मजबूत करने में जुटी हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की मूड में है ममता मैम, ताकि 2024 में पीएम पद की दावेदारी कर सके। उसके बाद बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस समय जोश से भरी हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर अपने पैर पसार रही है। दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता पर काबिज हो चुकी है, गुजरात से लेकर दक्षिण तक अपना सियासी आधार बढ़ा रही है। ऐसे में 2024 के चुनाव में केजरीवाल एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे हैं। केजरीवाल को फ्री बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा समाज के मध्यम वर्ग को बहुत प्रभावित कर रहा है और वो मध्यम वर्ग के मसीहा माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो अरविंद केजरीवाल है उनको हिंदी और अंग्रेजी का पूर्णतया ज्ञान है, वो हिंदी और इंग्लिश में पूर्णतया परफेक्ट हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 2024 के चुनाव में दिल्ली की कुर्सी पर बैठने का सपना आसीन हो सकता है, नहीं या तो 2024 आने वाला चुनाव ही बताएगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।